हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्चना राय ब्लॉग में। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं बल्कि अपने गांव और अपने घर की कुछ मेंबर से आप सभी लोगों को मिलाना चाहती हूं। वैसे तो हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में हमारे कुछ देवी देवता हैं, तो उनके लिए हम लोगों को गांव जाना पड़ता है और वहां पर मंदिर पर कथा करवानी पड़ती है। तो चलिए आज हम आप सबको कथा, और यहां पर देखिए हम लोग अपने घर से चल दिए हैं। गाड़ी में ये मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं, पीछे मेरी सास थी। और देखिए अब मैं आपको मौसम दिखाती हूँ यहाँ का। देख कितनी हरियाली है और कितना अच्छा लग रहा है गांव जाते समय। गांव में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए ये हरियाली और ठंडा मौसम है, आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा। आप लोग देख सकते हैं बादल कैसे हैं बिल्कुल। और देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, घर से निकलते हुए तो नहीं दिखा पाए पर रास्ते में हम लोग हैं तो वही दिखा रही हूँ। तो देखिए आप लोग देखते चलिए, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग गांव में बस पहुँच। और यहाँ पर देखिए हम लोग अपने गांव में आ गए हैं। और देखिए ये गांव है, कच्चे पक्के मकान हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की। ये मेरा बेटा है जो काली जीन्स पहने था, पूरा तो नहीं दिखा पाई। और ये कहने लगा कि मम्मी चलो कुआं देखते हैं, यहाँ पर कुआं बना हुआ है गांव में। तो देखिए हम लोग वही देखने जा रहे हैं कुआं। तो ये कुआं मैं देख रही हूँ, डर लग रहा था, बहुत गहरा तो बहुत है पर इसमें पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हमने पहले आके कुआं देखा, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की। और ये पंडित जी का घर है यहाँ पर, तो ये जो पंडित जी हैं ये यही कथा करवाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ से अपना गाड़ी खड़ी कर और यहाँ से अपना सामान ले जाएंगे और फिर मंदिर पर कथा करवाएंगे। और यहाँ पर देखो हम अपने मंदिर में पहुँच गए हैं। और यहाँ पर पहले हम लोगों ने झाड़ू वगैरह लगाई, तो झाड़ू मेरे बेटे ने लगाई, पहले मंदिर को साफ किया। मंदिर हमारा खुले में ही बना हुआ है, वो पहले से ही ऐसा ही बना हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरे बेटे ने पूरी सफाई की, पहले अच्छे से पहले हम लोगों ने झाड़ू लगाई। झाड़ू साफ सुथरा करने जब तक पंडित जी को भी आना था तो उतना टाइम था, तो इसलिए। और देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो दिखा पा रही हूँ क्योंकि गांव के लोग देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए। क्योंकि गांव में इतना वीडियो बनाना ये सब नहीं होता है, तो मैंने थोड़ी सी बनाई इसीलिए। मैंने कहा इस बहाने आप लोग भी मेरा गांव देख लेंगे, इसलिए। पहले मेरे बेटा पूरी सफाई करने के बाद फिर ये जो चबूतरा बना हुआ है, जो टाइल्स लगे हैं इसी के ऊपर कथा होगी। और ये जो हाँ ये जो छोटे छोटे गेट हैं इनके अंदर हम लोगों के मतलब हम लोगों के देवी देवता हैं, हम पुरखा वगैरह जो बोलते हैं वो हैं हमारे। तो बस हम लोग हैं यहीं पर कथा करवाएंगे हैं। और देखिए कथा का सामान हम लोगों ने निकाल लिया। मैंने कहा ना आपसे कि पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बेटा और मेरे हस्बैंड कथा में बैठ गए थे, फिर बस मुझी को सारा सामान देना था, मुझी को वीडियो बनाना था। तो जब सामान दिए निकाला ये सब नहीं दिखा पाए, तो सीधा कथा में चलते हैं। कथा में देखिए पंडित जी आ गए, ये लोग कथा में बैठे हुए हैं। और देखिए बढ़िया यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, और ये खुला पूरा खुला हुआ था और मौसम इतना अच्छा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी गर्मी का पता नहीं चला, गांव में गर्मी का तो पता ही नहीं चला। और यहाँ पर पंडित जी टीका वगैरह लगा रहे हैं, और बस कथा की पूरी तैयारी हो गई है। हम लोग घर से ही प्रसाद बनाकर ले गए थे,
क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का कोई घर मकान नहीं बना हुआ है, बस देवी देवता वगैरह हैं और ये पंडित जी का घर है, तो बस उन्हीं के हम लोग जाके थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं पहले यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर मेरे ससुर जी आ गए हैं, पंडित जी कथा शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर पांचों अध्याय हो गए हैं और हवन की तैयारी हो रही, हवन हो रहा है। तो देखिए आप लोग ये हवन हो रहा है। और फिर हवन के बाद अब आरती होगी सत्यनारायण भगवान की, तो हम लोग बस आरती करेंगे। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पाद विहरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत चबीराजे स्वामी, अद्भुत चबीराजे। आरती के बाद यहाँ पर नीचे मैंने भी पूजा की, यहाँ पर छोटा सा नीचे जो मंदिर था वहाँ पर हमने भी पूजा की। तो बस ऊपर हमारे यहाँ पे ऊपर जेंट्स लोग पूजा करते हैं, नीचे लेडीज। तो बस वहाँ पर मेरी सास भी थी, तो पहले सास मुझे बताती जा रही थी, मैं वैसे ही पूजा करती जा रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा की और बस ये पंडित जी बैठे हैं, सबको प्रसाद बाँट रहे हैं और मेरा बेटा शायद वीडियो बना रहा है। यहाँ पे बस पूजा करने के बाद हम लोग बस अब पंडित जी के घर पे जाएंगे। सब लोगों को पहले यहाँ पे प्रसाद दिया हम लोगों ने, प्रसाद देने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखिए पंडित जी के यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर पंडित जी के यहाँ पर उनके यहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी, पहले हमने उन्हें प्रसाद दिया, उनको खाना आना खिलाया, फिर पंडित जी को खाना वगैरह खिला के फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोगों का गांव बहुत दूर पड़ता है तो पूरा दिन वही निकल जाता है। तो सुबह से तो दोपहर तक हम लोग व्रत थे, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है गाँव का। गाँव में सुख सुविधाएँ ज़रूर कम मिलती हैं, पर ये जो चिड़ियों का चहकना, कच्चे मकानों में इतनी ठंडक मतलब, और हरियाली वगैरह, पेड़ पौधे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस ये है कि अब शहर में जाके शहर की आदत पड़ गई है, लेकिन गांव में भी कभी कभार जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा तो मैं बना नहीं पाई। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।